फ्रेंड्स, मैं खुशबू और आपका एक बार फिर से स्वागत है क्यूजीन क्रश में। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ चॉकलेट गनाश की रेसिपी। इस गनाश को मैंने बनाया है मोडे चॉकलेट कंपाउंड और पानी के साथ। अक्सर गनाश को बनाया जाता है या तो क्रीम के साथ या फिर दूध के साथ, लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जहाँ पर हमने दूध या क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया है, पानी और चॉकलेट कंपाउंड के साथ हमने इस गनाश को बनाया है। बिल्कुल भी आपका ये गनाश है वो स्प्लिट नहीं होगा, बहुत ही सिंपल और आसान से तरीके से मैंने यहाँ बताया है। ना ही कोई माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है, सिंपल गैस पर बनाया है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। ऐसी ही सिंपल और ईजी रेसिपी के लिए मेरे चैनल क्यूजीन क्रश को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस रेसिपी के लिए मैंने सबसे पहले लिया है 100 ग्राम चॉकलेट कंपाउंड। ये मोडे ब्रांड का है, आप 2M या किसी और ब्रांड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डबल बॉयलर का। तो जिसके लिए मैंने देखिए एक बर्तन में किया है पानी को बॉयल, गैस को कर दिया है स्लो और इसके ऊपर एक दूसरा बर्तन रखा है। आप चाहें तो कांच का या स्टील का कोई भी बर्तन रख सकते हैं। चॉप की हुई जो हमारी चॉकलेट कंपाउंड था वो हमने डाल दिया है उसमें और आप देखिए धीरे धीरे पानी की जो वेपर आ रही है, पानी की जो भाप आ रही है, उससे हमारी जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो रही है। जैसे ही चॉकलेट हमारी मेल्ट हो जाती है आप गैस को कर दीजिएगा बंद। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर चॉकलेट हमारी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब देखिए, मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 50 ml पानी। ये जो पानी है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का है, यानी कि हमने 100 ग्राम यहाँ पर ली थी चॉकलेट और मैंने यहाँ पर डाला है 50 ml पानी। जैसे ही हमने यहाँ पे पानी डाला है आपको लग रहा होगा कि गनाश जो है वो स्प्लिट हो गया है, यानी कि अच्छे से नहीं बना है, लेकिन आप अच्छे से इसे मिलाइए। देखिए जिस तरह से मैं यहाँ मिला रही हूँ, या तो स्पैचुला से मिलाइए या फिर जो हमारा स्टील का विस्क आता है उससे आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। और जैसे ही आप इसे लगभग 1 मिनट या 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे आपका जो गनाश है वो एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा। चॉकलेट और पानी जो है वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो मैंने यहाँ पे जो नीचे वाला बर्तन था वो हटा दिया है। उसको हटाने के बाद देखिए मैं अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ। धीरे धीरे जो है ये थिक होने लग जाएगा, यानी कि गाढ़ा हो जाएगा। चॉकलेट गनाश में एक अच्छी सी शाइनी आए उसके लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच शहद, यानी कि हनी। हनी से क्या होगा, हमारा जो चॉकलेट गनाश है उसमें एक बहुत अच्छा शाइनी लुक आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से शहद डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे और ये हमारा पोरिंग गनाश बनकर एकदम तैयार है। आप इस गनाश से या तो अपने डोनट्स को कवर कर सकते हैं या कपकेक को कवर कर सकते हैं। आप केक बनने के बाद इस गनाश को डाल सकते हैं। आप अगर चॉकलेट केक बना रहे हैं तो उसकी लेयर्स के बीच में आप इसे डाल सकते हैं। चॉको ट्रफल केक में आप इस गनाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि पोरिंग गनाश बनने के बाद कैसे हम इस गनाश से बना सकते हैं पाइपिंग गनाश। पाइपिंग गनाश बनाने के लिए हम इस बोल को कवर कर देंगे क्लिंग रैप से। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक की सॉफ्ट वाली पॉलिथीन या फिर फॉइल पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अच्छे से कवर कर देने के बाद या तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख दीजिएगा आधे घंटे के लिए या फिर आप इसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ सकते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद अगर फ्रीज में रखते हैं तो, या फिर रूम टेम्परेचर पर 1 से 1.5 घंटे रखते हैं, उसके बाद जब आप इसे खोलकर चेक करेंगे तो हमारा गनाश जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। एकदम देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम गाढ़ी हो जाएगी, जैसा कि हम पाइपिंग बैग में भर के सुंदर सुंदर डिज़ाइन इससे बना सकते हैं। देखिए इस तरह से पाइपिंग बैग में आप इस गनाश को भरिए और जैसे भी जहाँ भी आप चाहें इससे सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना सकते हैं। आप कपकेक को इससे कवर कर सकते हैं या फिर आप चॉको ट्रफल केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप जहाँ भी चाहें देखिए इस तरह से सुंदर सुंदर डिज़ाइन इस पाइपिंग गनाश से बना सकते हैं। हमने यहाँ पर पोरिंग गनाश बनाया, पाइपिंग गनाश बनाया, साथ ही देखिए मैं आपके साथ एक और गनाश बता रही हूँ इसमें आगे। पाइपिंग गनाश को आप अगर बीटर से देखिए इस तरह से बीट कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जिस तरह से मैं यहाँ पर बीट कर रही हूँ, नॉर्मल पाइपिंग गनाश है हमारा।
एक से दो मिनट के लिए मीडियम स्पीड पर आप बीटर को चलाइएगा, तो ये जो गनाश हमारा बनता है इसको हम कहते हैं व्हिप्ड पाइपिंग गनाश, यानी कि हमने गनाश को क्या है, व्हिप कर दिया है। ये वाला गनाश जो है वो खाने में बहुत टेस्टी होता है, बहुत फ्लफी होता है, लाइट हो जाता है इसका टेक्स्चर। तो इसका इस्तेमाल भी आप एज ए लेयरिंग की तरह कर सकते हैं, या केक को कवर करने के लिए कर सकते हैं, केक में सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाने के लिए कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ गनाश की ये सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आइए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।